साथियों, आज यहां के लोग कह रहे हैं एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में ईश्वर रूपी जनता जनार्दन, आप लोग मोदी के मन में है, मोदी के दिल में है। एमपी के मन में मोदी क्यों है भाई, भाजपा क्यों है, ये कोई रहस्य की बात नहीं रह गई है। कांग्रेस ने केंद्र में हमारे सेवा काल शुरू हुआ उसके पहले 10 साल तक जो सरकार चलाई उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का ही काम किया था। लेकिन आपके सेवक मोदी ने करीब 10 साल जो सरकार चलाई है, आपकी सेवा में 10 साल पूरे लगन से समर्पित किए हैं, उसमें घोटाले बंद हुए हैं, गरीब और मिडिल क्लास की बचत हुई है, उन्हें अधिक सुविधा मिली है। आप देखिए, टेलीकॉम घोटाला करके, कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए, याद है ना, भूल गए? आप बताओगे तो पता चलेगा मुझे, याद है? लूटते थे कि नहीं लूटते थे? करोड़ों रुपए लूटते थे कि नहीं लूटते थे? ये आपका हक का पैसा था कि नहीं था? आपकी मेहनत का पैसा था कि नहीं था? आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो पैसा था कि नहीं था? लूट लिया। भाजपा सरकार में वो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हो चुके हैं, और घोटालों से हम जो पैसा बचा रहे हैं वो पैसा गरीब के हित में, मध्यम वर्ग के हित में लगा रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में अब तक केंद्र सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। आप आंकड़ा बोलोगे? मैं पूछूं तो आंकड़ा बोलोगे? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप आंकड़ा बोलोगे? मैंने कहा 2 लाख करोड़ रुपए। कितने कितने, जरा माताएं बहनें बताइए, कितने कितने? 2 लाख करोड़ रुपए। इससे 80 करोड़ देशवासियों को कोरोना के संकट काल से लेकर के अब तक मुफ्त राशन सुनिश्चित हुआ, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहा, ये मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से मैंने निश्चय लिया है, मन बना लिया है, क्योंकि ये योजना मुफ्त राशन वाली दिसंबर महीने तक ही है, लेकिन मोदी तो आपके दिल की बात जानता है, और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना को आने वाले 5 साल के लिए बढ़ाने का निश्चय कर लिया है।
अगर हम एक परिवार में चार पांच लोग भी मान लें तो ऐसे हर परिवार को मुफ्त राशन योजना की वजह से हर महीने 700, 800, 900 रुपया बचने वाले हैं।